आईपीएल 2022 में आज कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच 47वां मुकाबला खेला गया, जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने 152 रन लगाए। 153 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर की टीम ने 7 विकेट रहते इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। केकेआर के लिए आज नीतीश राणा और रिंकू सिंह ने मिलकर शानदार साझेदारी की, जिसके बल पर केकेआर ने इस मुकाबले को अपने नाम किया। तो चलिए जानते हैं केकेआर के लिए वो 5 हीरो जिनके दम पर केकेआर ने आज ये मुकाबला 7 विकेट से अपने नाम किया। इस मैच में केकेआर के लिए सबसे बड़े हीरो रहे रिंकू सिंह, जिन्होंने 42 रनों की नाबाद पारी खेलते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई। रिंकू सिंह ने इस पारी में 23 गेंदों का सामना किया, जहां उन्होंने 6 चौके और 1 छक्का लगाया। रिंकू सिंह आज तब बल्लेबाजी करने उतरे जब कप्तान श्रेयस अय्यर अपना विकेट गंवा चुके थे। उस वक्त केकेआर की टीम काफी गंभीर स्थिति में थी, लेकिन रिंकू सिंह ने अपनी समझदारी और सूझबूझ के साथ केकेआर को 7 विकेट से जीतने में अहम योगदान दिया। केकेआर के लिए आज दूसरे सबसे बड़े हीरो नीतीश राणा रहे, जिन्होंने 48 रनों की पारी खेलते हुए अपनी टीम को जीत दिलाने में मदद की। नीतीश राणा ने आज रिंकू सिंह के साथ मिलकर 66 रनों की साझेदारी की, जिसके बदौलत आज केकेआर की टीम लगातार 5 मैच हारने के बाद इस मैच में जीत हासिल कर पाई। नीतीश राणा इस सीजन अब लगातार अपनी टीम के लिए प्रदर्शन कर पा रही हैं। जहां उन्होंने इस मुकाबले से पहले 68 की पारी खेली थी, तो वहीं आज उन्होंने नाबाद 48 रन बनाए। इस मैच में केकेआर के लिए अगले हीरो रहे उमेश यादव, जिन्होंने 4 ओवर में 1 मेडन कराते हुए 24 रन दिए और 1 विकेट भी अपने नाम की। उमेश यादव ने आज फिर पावर प्ले में विकेट निकालते हुए टीम को अहम योगदान दिया। उमेश यादव की गेंदबाजी आज एक बार फिर से शानदार रही, जिसके बल पर टीम ने इस मैच को अपने नाम किया। इस मैच में टीम के लिए अगले हीरो रहे अंकुल रॉय, जो आज टीम के लिए डेब्यू कर रहे थे, लेकिन उनकी गेंदबाजी में वो धार दिखाई दी जो किसी अनुभवी गेंदबाज की गेंदबाजी में होती है। अंकुल रॉय ने 4 ओवर में 28 रन देते हुए 1 विकेट अपने नाम की और उन्होंने केकेआर को जीत दिलाने में भी अहम योगदान दिया। इसके बाद केकेआर के लिए अगले हीरो रहे सुनील नारायण, जो भले ही आज विकेट तो नहीं ले पाए, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने बल्लेबाजों पर शिकंजा कायम रखा। सुनील नारायण ने आज फिर 4 ओवर में मात्र 19 रन खर्चे और मध्य ओवर में राजस्थान के सभी बल्लेबाजों को रन बनाने से रोका। तो ये हैं केकेआर के वो 5 हीरो जिनके दम पर आज केकेआर ने 5 मैच हारने के बाद आखिरकार इस मैच में जीत हासिल कर ली है। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।